हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता संतोष जी चोपड़ा और वैसे समाज के संभागीय अध्यक्ष। आइए उनसे बात करेंगे इस कोरोना संकट में किस तरह से लोगों को उन्होंने सूखा राशन की व्यवस्था करी। संतोष जी बताएं, अभी जो कोरोना संकट के अंदर किस तरह से लोगों को अब राहत की सामग्री दे रहे हो, किस तरह से भोजन की व्यवस्था कर रहे हो? यह जो कोरोना की महामारी पूरे विश्व में आई है और भारत में भी इसने अपने पांव पसारना चालू कर दिया है और उसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसी के कारण नीमच में हमने वैश्य महासम्मेलन के माध्यम से हमने सूखे राशन की सामग्री का वितरण का कार्य हमने यहाँ पर किया है, जो कि हम यहाँ पर CSV अग्रोहा भवन में हम यहाँ पर राशन की व्यवस्था, जो इकट्ठा हम राशन मंगाते हैं यहाँ पर, और उसमें आटा, चावल, तेल, शक्कर, नमक, चाय की पत्ती, आलू, प्याज इत्यादि इस प्रकार की जो डेली जिनको कि खाने की सामग्री है जो कि जनता को इसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अभी सारे कार्य बंद पड़े हैं, चाहे वो मजदूरी का हो चाहे वो व्यवसाय के हो, सब कार्य अभी बंद पड़े हैं और इसके कारण जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के देखते हुए हमारे पूरे जो प्रदेश में है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी उमा शंकर जी गुप्ता हमारे प्रदेश अध्यक्ष है और उनके निर्देशन पे हमने यह कार्यक्रम यहाँ नीमच में भी प्रारंभ किया है। वैसे पूरे प्रदेश में वैश्य समाज यह कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, कहीं खाने के पैकेट बन रहे हैं तो कहीं पे सूखे राशन की व्यवस्था हो रही है या अन्य किसी भी प्रकार की यदि मदद कहीं पे भी ज़रूरत पड़ रही है जनता को, तो उसमें वैश्य समाज आगे बढ़ चढ़कर उनकी मदद करने के लिए कार्य कर रहा है। और हमने भी नीमच में यह सूखा राशन की यहाँ पर व्यवस्था की है और उसमें हमने अभी तक लगभग 1100 पैकेट हमने उसमें वितरित हम कर चुके हैं और यह कार्य अभी भी हमारा जारी है। आगे भी जितनी आवश्यकता जनता को वास्तव में ज़रूरत होगी उसकी हम यहाँ पर उनको वितरित करने का कार्य करेंगे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ी विपदा शहर पर पूरे देश पर आई है और इस विपदा के समय वैश्य बंधु सभी एकजुट होकर इस कार्य में सहयोग करने में लगे हुए हैं। हमारी लगभग 30-35 जनों की टीम है और वह यह कार्य कर रही है, उसमें मैं संभागीय अध्यक्ष हूँ, उसमें संतोष चोपड़ा और हमारे साथ ही हमारे जिला अध्यक्ष गोविंद जी पोरवाल, जिला महामंत्री हमारे दिनेश जी मित्तल हैं और हमारी इसकी कमेटी का हमने इस कार्यक्रम के लिए एक संयोजक बनाया है वो विवेक जी खंडेलवाल सोनू भाई है। इसके अतिरिक्त कई हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं और लगातार हम ये प्रयास करेंगे कि नीमच में कोई भी आदमी भूखा न सोए और उनको जो भी ज़रूरत होगी हम उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। भाई जी बताएं, अभी तक जैसा कि आपने कहा कि लोग कोई भूखा ना सोए, तो अभी तक आपने से कितने सूखे राशन किट बांट चुके हैं और ये काम कितने दिन से चल रहा है और अब तक कब तक आगे भी क्या चलता रहेगा? यह लगभग पिछले एक माह से यह कार्य हमारा चालू है और हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह किट हम पहुँचा सकें। अभी तक हमने 1100 यह किट जो तैयार किए हैं ये हम इनका कार्य वितरण कर चुके हैं। हमने शुरू में प्रारंभ में हमने जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत थी उनको हमने घर घर भी ये किट पहुँचाए हैं और उसके अतिरिक्त यदि वो यहाँ पर आकर हमें सूचना देते हैं कि हमें किट की ज़रूरत है तो हम उनको यहाँ पर बुला के फ़ोन करके हम उनको बाकायदा मोबाइल करके यहाँ बुलाते हैं और उनको हम ये किट का हम वितरण करते हैं। इसी के साथ और भी किसी प्रकार की कोई भी मदद की यदि आवश्यकता जनता को पड़ती है, जैसे कि अभी काफ़ी लोग बाहर फंस गए हैं और उनको यहाँ पर बाहर के लोगों जो नीमच के लोग हैं उनको यहाँ पर नीमच आना है या नीमच के लोग नीमच में कोई लोग बाहर के फंस गए हैं उनको जाना है, तो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं उनकी मदद करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या यह है कि कई लोग अचानक यह एकदम से विपदा आई और अचानक लॉकडाउन कर दिया गया और सब दूर सारे साधन ट्रेन हो बस हो जाए जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सारी बंद कर दी गई, उसके कारण काफ़ी परेशानियां लोगों को आई थी, तो उसके लिए भी हमने काफ़ी मदद करके कई लोगों को यहां से बाहर पहुंचाया है उनके गंतव्य स्थान पर और जो बाहर के लोग जो नीमच के फंस गए हैं उनको भी नीमच लाने का हमने कार्य यहाँ पर करने का प्रयास किया है और कई लोग उसके कारण यहाँ पर आ पाए हैं। ऐसा आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हमारे कई संगठन के लोग इसमें जुड़े हुए हैं, तो ऐसे करीब कितने संगठन के लोग किस तरह से अभी निरंतर सेवा जारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं इस महामारी के बीच में एक डर और भय का माल भी होता है। क्या है कि यह विपदा एकदम आई है और लोगों को अपना भविष्य
कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमको इसके कारण काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा भविष्य में। तो उनके पास जो राशन की जो कमी पड़ रही है उसके लिए वे काफ़ी चिंतित दिख रहे थे, और इसी के कारण नीमच में कई स्वयंसेवी संस्थाएं और समाज सेवी और इसके अतिरिक्त राजनीतिक पार्टियां भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या अन्य पार्टी के लोग भी इसमें आगे आए हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा कार्य यहाँ नीमच में सेवा का किया है। मैंने देखा है कि करीब जो भोजन की व्यवस्थाएँ चल रही थी वो भी करीब 10 से 15 जगह यहाँ नीमच में भोजन की व्यवस्था चल रही थी, और उसमें भी हम लोगों ने सहयोग करने का प्रयास किया है। उनको जो कुछ कच्चा सामान चाहिए उसको भी हमने कई जगह हमने पहुंचाने का प्रयास किया है, और उन संस्थाओं के माध्यम से निश्चित रूप से नीमच की जनता को काफ़ी राहत मिली है। मैं महाश्री भवन के बारे में कहना चाहूँगा कि उनने बहुत बड़ी सेवा नीमच में दी है। डेली लगभग 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार पैकेट उन्होंने प्रतिदिन बनाए हैं, और पूरे नीमच में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उन लोगों ने वहाँ भोजन वहाँ पर पहुँचा के उन्होंने उन लोगों को कहीं कहीं बहुत बड़ा उनने पुण्य और पवित्र कार्य किया है। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी गद्दार नेता संतोष चोपड़ा, जिन्होंने कहा कि नीमच के अंदर इस कोरोना की महामारी के अंदर सभी सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब आ गए और मानवता के लिए सेवा करी। वाइस एमपी के लिए दीपक तबिक रिपोर्ट।